Hello, students. Uh, in last lecture, you had studied bode plot, in which case one is where pole at origin, like this. This case, G S H S is equal to K divided by S raised to power n. Okay. Similarly, today we are uh, we will solve one question according to this equation. G S H S is equal to hundred divided by S raised to power two is given. Okay now find the value of magnitude in decibel at omega is equal to what at omega is equal to 0 0.1 okay you have to calculate the value of magnitude at omega is equal to 0 0.1 so for uh, to solve this you have to put s is equal to j omega gs जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा इज इक्वल टू हंड्रेड बाय जे ओमेगा का स्क्वायर ओके मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको सॉल्व करोगे तो आपको यही आएगा ओमेगा स्क्वायर ओके जब डेसिबल में निकालना होगा तो डेसिबल में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा ट्वेंटी लॉग हंड्रेड डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू ट्वेंटी लॉग हंड्रेड माइनस ट्वेंटी log उमेगा स्क्वेयर ओके ट्वेंटी log हंड्रेड माइनस फोर्टी log omega, ओके इफ दिस इज इक्वेशन वन ठीक मैग्नीट्यूड इन डेसिबल मैग्नीट्यूड ये क्या है खुद भी यार कुछ समझ आना घोष ठीक है इज इकल टू इक्वेशन वन आपको मालूम है कि पूरी ओरिजिन पोल पे जब इक्वेशन होगा तो स्लोप आपकी नेगेटिव होगी ओके okay. एंड यहाँ पे कोई एक पॉइंट होगा जो उमेगा इजिकल टू वन होगा और आपको निकालना क्या है? उमेगा इजिकल टू ज़ीरो पॉइंट वन मतलब ज़ीरो पॉइंट वन पे ये मैग्नीट्यूड कितना है ठीक तो उसके लिए आप क्या करेंगे अब ये भी मालूम हो याद रखना ये ओमेगा वन लिखा है बट ये ग्राफ बेसिकली है क्या लॉग ऑफ वाई डब्ल्यू मतलब जब इस पॉइंट की बात करोगे तो वो है लॉग ऑफ वन जब इस पॉइंट की बात करोगे वो है लॉग ऑफ ज़ीरो पॉइंट वन ओके अब मैं पहले क्या करता हूँ मुझे निकालना क्या है आई हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एट जीरो पॉइंट वन फॉर दैट मैं क्या करता हूँ कल भी आपको मैंने बताया था कि हम स्लोप इक्वेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे फॉर दैट वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट एट दिस पॉइंट ओके एट दिस पॉइंट लेट अस से ओमेगा इज इक्वल टू वन और एट ओमेगा इज इक्वल टू वन पे एट ओमेगा इज इक्वल टू वन पे इक्वेशन वन क्या बनेगी इक्वेशन वन क्या बनेगी दिस इक्शन वन इज जी एस एच एस डेसीबल इजिकल टू ट्वेंटी लॉग हंड्रड माइनस फोर्टी लॉग वन डब्ल्यू इजिकल टू वन पे ये चीज़ ज़ीरो ज़ीरो होगा तो दैट मीन ट्वेंटी लॉग हंड्रड इजिकल टू ये मैग्नीट्यूड जो है एड मेगा इजिकल टू वन पे ट्वेंटी लॉक हंड्रेड ट्वेंटी मल्टीप्लाई टू लॉग ऑफ टेन इजिकल टू फोर्टी दैट मीन ये वाली वैल्यू जो है ये कितनी है यहाँ तक फोर्टी और ये क्या है वन ठीक है वन दैट मीन लॉग ऑफ वन लॉग ऑफ वन इज ज़ीरो तो ये कॉर्डिनेट क्या हो गया जीरो डैश फोर्टी डैसीवल ओके वन लिखा है पर आपको लेना क्या है लॉग ऑफ वन ठीक है ये मैं आपको कल डिटेल में बता चुका हूँ अब ये पॉइंट पर क्या वैल्यू है ये पॉइंट पर वैल्यू है उमेगा की जीरो पॉइंट वन दैट मीन लॉग ऑफ लॉग ऑफ जीरो पॉइंट वन और निकालना क्या है यही निकालना हमको वाई तो वाई ओके तो अब उसके लिए हमारे पास स्लोप इक्वेशन थी एक वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू एम है ना अब यहाँ पे स्लोप कितनी है यहाँ पे जो स्लोप है आपकी ये है ये जो आप ऊपर ये स्लोप चलते आ रही कल के क्वेश्चन से आप सॉल्व करना माइनस फोर्टी हेर स्लोप इज माइनस फोर्टी डेसीबल पर डिकेड ओके ये पॉइंट भी आ गया जीरो पॉइंट अब जब नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो दैट मीन स्टार्टिंग पॉइंट ये है दिस इज एक्स वन दिस इज वाई वन दिस इज एक्स टू दिस इज वाई टू ओकेशन दिस गेट एन आंसर ऑफ वाई वट इज वाई टू वाई टू इज फोर्टी फोर्टी माइनस वाई डिवाइडेड बाय वाई टू इज फोर्टी वट इज वाई टू फोर्टी वाई ये वाली आ गई वाई वन की जगह पर और एक्स टू क्या हो गया जीरो है ये ओमेगा वन है ओमेगा वन है बट ये ज़ीरो क्या है लॉग ऑफ वन लेना आपको हमेशा ये आ गया ज़ीरो माइनस एक्स वन एक्स वन क्या है लॉग ऑफ ज़ीरो पॉइंट वन एक्स वन क्या है लॉग ऑफ ज़ीरो पॉइंट वन लॉग ऑफ जीरो पॉइंट वन इज इक्वल टू माइनस एम इज इक्वल टू माइनस फोर्टी नीचे की तरफ है नेगेटिव स्लोप है माइनस फोर्टी ओके दिस लॉग ऑफ जीरो पॉइंट वन इज लॉग ऑफ जीरो पॉइंट वन इज माइनस वन ठीक फोर्टी माइनस वाई माइनस माइनस वन इज इक्वल टू माइनस फोर्टी दिस माइनस वाइन कैंसल वन तो ये फोर्टी को इधर ले जाओ वाई इज इकल टू माइनस फोर्टी माइनस वाई इजल टू माइनस फोर्टी माइनस फोर्टी दैट मीन वाई इजल टू एटी तो वाई क्या आ गया ये वाली वैल्यू ये आ गई एटी ओके इस तरह से आप यहाँ पे यूजिंग बोर्ड प्लॉट वाई की वैल्यू निकाल सकते हो ठीक है सिमिलरली नाउ केस सेकेंड इन विच ओरिजिन एट जीरो इक्वेशन इज लाइक दिस मतलब हमारा ओरिजिन जीरो जीरो पे क्या है और ओरिजिन पे क्या है जीरो है अब पोल नहीं है जीरो है तो जीरो कहाँ पे वो लाई करता है नोमिनेटर में पुट डेजल टू तो जोमेगा पुट ठीक है लाइक दिस मैग्नीचूट इन डेसिबल निकालने के लिए ट्वेंटी लॉक के ओमेगा एन ट्वेंटी लॉक के प्लस ट्वेंटी लॉक ओमेगा एन ओपन किया इसको हमने सिंपली दिस ट्वेंटी लॉक के है अब जब इस क्वेश्चन को दोबारा देखोगे आप ये क्वेश्चन किसके पर करती है लाइक करती है वाई जीगल टू एम एक्स प्लस ही प्रीवियस जैसे आपने केस एस वन में किया था सिमिलरली वैसा है ठीक है तो यही है ना वाईजीगल टू एम एक्स प्लस ही दिस इज कॉन्स्टेंट टर्म दिस इज़ आल्सो कॉन्स्टेंट बट दिस विल बी द एक्स कॉर्डिनेट वैल्यू एंड दिस इज वाई ओके वाई इज ईगल टू एम एक्स प्लस सी सो दिस इज द केस ऑफ पॉजिटिव स्लोप वाई बिकॉज दिस साइन इज पॉजिटिव ओके पॉजिटिव स्लोप इस तरह बनेगी इसी तरह बनेगी और होगी क्या पॉजिटिव स्लोप की वैल्यू ट्वेंटी इंटू एन एंड वाट इज एन एन इज जो पावर है इसके साथ होगी मतलब हाउ मेनी पोल्स हाउ मेनी जीरोज एट ओरिजन ओके अब ये आ गया यहाँ पे ए अब इस पॉइंट पे वैल्यू निकालने के लिए क्या मैग्नीच्यूट की वैल्यू क्या है जीरो है तो यू हैव टू पुट मैग्नीच्यूट इज इक्वल टू जीरो सेम इक्वेशन हमने ये वाली लेनी है ये वाली कंसिडर करनी है ट्वेंटी लॉग के इज प्लस ट्वेंटी एन लॉग ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो लॉग ऑफ के इज इक्वल टू माइनस एन लॉग ऑफ डब्ल्यू के इज इक्वल टू ये लॉग लॉग जब माइनस एन उधर चला जाएगा ओमेगा के ऊपर पावर बन के लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा के इजगल टू ओमेगा रेस्टोबर माइनस एन ये सॉल्व करोगे तो एट ओमेगा इजल टू डब्ल्यू इजिकल टू के रेस्टू माइनस वन बाय एन पे ये आप डायरेक्ट भी इक्वेशन यूज कर सकते हो ये वाली टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओमेगा वेयर मैग्नीट्यूड ऑफ दिस जी एस एच एस इज इक्वल टू ज़ीरोलोप इज ट्वेंटी रेस्ट पे ठीक है अब सिमिलरली एट ओमेगा टू वन पे मतलब ये सी की वैल्यू निकालने के लिए इस सी की वैल्यू कब आएगी जब आपका ओमेगा इजिकल टू वन होगा वाई क्योंकि जब आप ओमेगा इजकल टू वन यहाँ पे पुट करोगे दिस लॉग ऑफ वन इज इकल टू इक्वल टू जीरो ट्वेंटी लॉग के इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एसीवल ठीक है जी एस एच एस की वैल्यू इस केस में मतलब ये सी है अगर एक देखा जाए तो सी इज द इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट विद वाई एक्सिस एट जब आपका ग्राफ ओमेगा का जीरो से स्टार्ट होता है ओके okay. इसमें भी सिमिलरली आपने जो इनिशियल वैल्यू है यहां से वो जीरो पॉइंट वन से स्टार्ट करनी है ये देखिए अब इसके बेस पर भी एक हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया फोर एस टूर एस स्क्र फाइन जी एस अच्छा यूजिंग बोर्ड प्लॉट एट ओमेगा टू टू फर्स्ट राइट इक्वेशन दिस पोट एस जे ओमेगा ओके देन टेक ए मैगनीच्यूट ऑफ दिस मैगनीचूड ऑफ दिस फोर ओमेगा स्क्र दैन इन टर्म्स ऑफ डेसिबल निकालोगे तो डेसिबल ओपन करिए इस ब्रैकेट को ट्वेंटी लॉक ए बी का फंक् फार्मूला लगाकर ट्वेंटी लॉक ए प्लस ट्वेंटी लॉक बी ठीक है ये पावर नीचे आ जाएगी तो दैट इज इक्वल टू फोर्टी एट पॉइंट एट पॉइंट ए पे मालूम है मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है जीरो है तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू जब जीरो पुट करोगे तो देन यू विल गेट ए वैल्यू ऑफ ओमेगा एट पॉइंट ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी जीरो पॉइंट फाइव दैट मीन इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे आपकी ओमेगा की वैल्यू कितनी है जीरो पॉइंट फाइव और ये चार्ट क्या है? आपको मालूम है बार बार बोल रहा हूँ इज लॉग डब्ल्यू log डब्ल्यू मतलब लॉग ऑफ जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो लॉग ऑफ जीरो बनेंगे क्या बनेंगे वाई की वैल्यू जीरो एक्स की वैल्यू लॉग ऑफ जीरो हमें को निकालना क्या है Find the magnitude. यूजिंग बोर्ड प्लॉट एट और मेगाजिकल टू फाइव जब पॉइंट फाइव यहाँ पर है तो पॉइंट फाइव सॉरी फाइव कहाँ होगा इसके इधर ही होगा नेरव ठीक है जब नेगेटिव फाइव लिखा होता तो, तो इस तरफ होता ये फाइव है तो इस तरफ है ओके okay. बी अब ये मतलब इस पॉइंट पे भी हमने हमें निकालना क्या है बेसिकली मैग्नीट्यूड वैल्यू ये टर्म निकालनी है एट दिस फॉर दैट वी आर सिंपली वी आर यूजिंग वी विल यूज़ स्लोप इक्वेशन ओके फॉर स्लोप इक्वेशन वी विल वी मस्ट नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस बी कॉर्डिनेट ऑफ दिस बी एक्स पे कॉर्डिनेट इसका फाइव है फाइव नहीं मतलब लॉग फाइव लॉग फाइव है और वाई का कॉर्डिनेट वाई जो आपको निकालना है दैट इज इक्वल टू सॉरी एट पॉइंट बी सॉरी दिस इज लॉग फाइव ओके लॉग फाइव वी नो दैट स्लो इक्वेशन इज वाई टू माइनस वाई वन ठीक है ये स्लो तो आपको मालूम है जो पहले भी यूज किया आपने अब वाई टू की वैल्यू क्या है यह ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ऊपर की तरफ ऊपर बढ़ रहा है ना देन दिस विल बी द वाई वन एक्स वन एक्स वन वाई वन ये इज एक्स टू वाई टू अब वाई टू क्या है वाई टू इज इक्वल टू वाई टू इज इक्वल टू वाई वाई टू इक्वल टू वाई एंड एक्स टू क्या है एक्स टू जो इस पॉइंट पे एक्स टू की वैल्यू है लॉगा लॉगा फाइव विच इज ईकल टू इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स नाइन नाइन ओके अब इधर क्या है एक्स वन की वैल्यू एक्स वन की वैल्यू यहाँ पे क्या है लॉग ऑफ ज़ीरो पॉइंट फाइव विच इज इक्वल टू जीरो माइनस जीरो पॉइंट थ्री जीरो वन ओके वाई की वैल्यू क्या यहाँ पे जीरो जीरो तो सिंपली यू पुट दिस पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन दिस एंड मैग्नीट्यूड क्या है सॉरी स्लोप स्लोप हमेशा क्या होती है स्लोप हमेशा जो इसके साथ वाली टर्म होती है इक्वेशन वन में इक्वेशन वन में जो इस वाली टर्म होती है वो दैट इज स्लोप पॉजिटिव फोर्टी पॉजिटिव फोर्टी स्लोप पुट करती स्लोप देन सिंपली कैलकुलेट फाइंड डाउट द वैल्यू ऑफ वाई टू this equation okay now in this in this uh, way you will solve the question uh, to find out a value at any value of omega using board plot okay thank you students.